तो वैसे अगर आप अभी सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी कैमरा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको एंश्योर कर लेना चाहिए एक सीसीटीवी कैमरा लेने से पहले। कंप्लीट चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक सीसीटीवी कैमरा खरीदने वाले हैं, सिक्योरिटी कैमरा स्पेशली अपने घर के लिए, या फिर आप कहीं भी अपने ऑफिस वगैरह में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने बिजनेस वगैरह कहीं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इंस्टॉलेशन का। अभी के टाइम में गाइस काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी कैमराज आप देखते होंगे, मतलब जो घर वगैरह में लगे होते हैं 8-9 कैमराज जो कि काफी ज्यादा वायर्ड होते हैं, हर जगह से वायर वगैरह लगे होते हैं। तो अभी के टाइम में अगर आपको अपने घर के लिए देखना है तो आप स्मार्ट कैमराज देख सकते हैं, जैसे कि आपने MI के काफी सारे देखे होंगे जो 1500-2000 के आते हैं, जो कि सिर्फ प्लग एंड प्ले वाले हैं। प्लग एंड प्ले से मेरा मतलब है अगर वो यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिख रही होगी, ऐसे होते हैं जो कि आप डायरेक्टली प्लग पे लगाइए, उसके बाद उसे कहीं भी माउंट कर दीजिए और उसके बाद आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट प्लग एंड प्ले इसी को कहते हैं। तो ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि रेंज की। आजकल के कैमरास काफी ज्यादा रेंज के होते हैं, रेंज से मेरा मतलब जैसे 20 से 25 मीटर या उससे ज्यादा की कैपेसिटी रखने वाले, मतलब वो क्लियरली उतनी दूर का डिस्टेंस कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, मैं स्पेशली होम या फिर अपने आपके ऑफिस वगैरह की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 मीटर रेंज का सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी कैमरा लेना चाहिए, जिसे आपको 20 से 25 मीटर में एवरीथिंग सब आप क्लियरली देख सकते हैं पहली बात तो, और जितना आपको एरिया चाहिए होगा वो भी उसमें अच्छे से विजिबल रहेगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि रिजोल्यूशन सपोर्ट का। अभी के टाइम आप जानते हैं बहुत ही हाई डेफिनेशन तक आ गया, मतलब कुछ कुछ सीसीटीवी कैमरे से आप 1080 2K 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतने क्लियरली आते हैं। लेकिन अगर आप घर के लिए चाहिए तो आपको 4K वगैरह की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और 4K वगैरह रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी कैमरास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है जितने हाईर रिजोल्यूशन के आपका सीसीटीवी कैमरा होगा उतना ज्यादा आपको क्लियरली कुछ भी चीजें देखने को मिल सकती हैं उसमें, जो भी चीज आप जैसे कुछ चोरी वोरी होती है तो आप क्लियरली उसमें चेहरा देख सकते हैं या कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रीफरेबल रिजोल्यूशन बता रहा हूँ वो है 720p या 1080p। अगर आप 1080p रिजोल्यूशन का सीसीटीवी कैमरा परचेस कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। अगर आप 1080p किसी रीजन की वजह से नहीं ले रहे हैं तो आप 720p बिल्कुल परचेस करिए, उससे नीचे आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप घर के लिए ले रहे हैं और ज्यादा सीसीटीवी कैमरा आप लेंगे नहीं, जो भी जहां भी आप लगाएंगे तो मेन मेन कैमरे लगाएंगे, तो 720p या 1080p रिजोल्यूशन वहां के लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये बात होगी रिजोल्यूशन के बारे में 720p या 1080p। उसके बाद आ जाती है बात स्मार्टफोन सपोर्ट की। स्मार्टफोन सपोर्ट मतलब है आजकल जैसे आपको मैंने मी कैम के बारे में बताया जो कि 1500-2000 का आता है, जो कि आप वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, उसमें माइक्रो एस डी कार्ड भी स्लॉट भी लगता है और फिर वाईफाई से वो कनेक्ट रहेगा तो आप उसे कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अपना मी कैम ऑन करिए, फोन में जो MI का सीसीटीवी कैमरा ऐप होता है वहां से आप डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो वायरलेस से कनेक्टेड है, मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये गाइस ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप घर में अकेले रहते हैं, घर आप लॉक करके गए, सीसीटीवी कैमरा ऑन है आपका, और अगर आपको काफी टाइम हो गया आप घर को चेक करना चाहते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं ऐसा, तो वहां पर आप डायरेक्टली अपना फोन ऑन करिए, उसमें जो ऐप है उस पर जाइए और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं जितने कैमरास आपके घर में इंस्टॉल होंगे, सब जगह को आप चेक कर सकते हैं। और आजकल तो मूवेबल कैमरास आते हैं, मतलब वो 360 डिग्री वाले, मेरा मतलब कहने का मतलब है 360 रोटेशन के साथ आते हैं, आप पूरा घर 360 डिग्री में चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर क्या है, सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं। तो सीसीटीवी कैमरा लेते टाइम आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है नाइट विजन सपोर्ट। काफी सारे कैमरास में आजकल नाइट विजन सपोर्ट आते हैं, फिर भी वो इंफ्रारेड जो सेंसर्स होते हैं उनके कारण काफी अच्छी फुटेज आपको दे देते हैं, मतलब आपको काफी हद तक क्लियरली दिख जाता है कौन है वो, भले ही अंधेरा कितना भी रहे उस पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर रूम में जहां पर आपने अपना सीसीटीवी लगाया है। दिन के टाइम क्या होता है, जैसा लाइट है तो हम आसानी से कुछ भी चीज देख सकते हैं, लेकिन नाइट विजन होने के कारण रात में एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपको ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो कि आप जब परचेस करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको बॉक्स में भी मेंशन मिल जाएगी कि इसमें नाइट विजन सेंसर है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज की। स्टोरेज काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार अपनी जो मेमोरी वो क्लियर करनी पड़ेगी। तो आप मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 128 GB की SD कार्ड आप उसमें लेके रख लीजिए, 128 GB नहीं तो 64 GB भी आप ले सकते हैं, लेकिन एज पर मैं कह रहा हूँ 1080p रिजोल्यूशन या 720p में अगर वो कंटिन्यू रिकॉर्ड होते रहेगा और आप बार बार अपनी जो पुरानी रिकॉर्डेड फाइल्स उसको डिलीट नहीं करते तो बार बार जो आपका स्टोरेज है वो जल्दी जल्दी फुल हो जाएगा। और काफी ज्यादा आजकल सीसीटीवी कैमराज में क्लाउड स्टोरेज आते हैं, जो कि जैसा मैंने कहा वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, तो जो कि आपका रिकॉर्डिंग डेटा है वो डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर करेगा, मतलब जो गूगल ड्राइव है कहीं पे भी जो होते होंगे क्लाउड स्टोरेज पे वो जाके सेव हो जाता है। तो इससे आपको जो माइक्रो एस डी कार्ड है इसका झंझट नहीं रहता। लेकिन अगर आप माइक्रो एस डी कार्ड ले रहे हैं तो जैसा मैंने कहा 64 GB जैसे 1080p रिकॉर्ड कंटिन्यू होती है तो काफी जल्दी भर जाएगी और उसको आपको बार बार डिलीट करना होगा, जो कि फाइल आपके काम की नहीं होगी रिकॉर्डेड फाइल। तो इसलिए आप 128 GB मैं प्रीफर करता हूँ उसको करिए, जिसके हिसाब से फिर आप जो भी वीकली या जैसे भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं अपनी पुरानी फाइल्स को। तो ये यही सब पॉइंट्स थे जो कि आपको सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा या फिर स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा खरीदते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी है। और भी काफी ज्यादा पॉइंट है लेकिन वीडियो काफी ज्यादा डिटेल हो जाएंगी और उन सब पॉइंट्स का उतना मतलब नहीं है, मतलब इतना ही मतलब है जितना मैंने आपको बताया, इतना देख के अगर आप कोई कैमरा लेते हैं तो
तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूंगा जो कि काफी अच्छे अच्छे कैमराज है, जैसे कि मैंने मी के बारे में बात की और काफी ज्यादा ऐसे होंगे कई थी गाइस वीडियो सीसीटीवी कैमराज के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा जिससे मुझे पता चले मैंने वीडियो कैसे बनाई। दिस इज स्वप्निल यादव एंड आई एम साइनिंग ऑफ।